नमस्कार, मैं प्रिया। धड़ाधड़ 30 खबरों में आपका स्वागत है। चले जानते हैं देश प्रदेश की अब तक की प्रमुख खबरों को। कोरोना वायरस से जुड़ी राहत की खबर आई है। भारत में बीते 24 घंटे में कोरोना के 1247 नए मामले सामने आए, जबकि बीते दिन कोरोना के 2183 मामले दर्ज किए गए थे। ये संख्या पिछले दिन के मुकाबले 936 कम है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना से एक मरीज की सिर्फ जान गई है, जिससे जान गंवाने वालों की संख्या बढ़कर 5,21,966 हो गई है। इस बीच कोरोना के एक्टिव मामलों की संख्या बढ़कर 11,860 हो गई है। भारत के दौरे पर आए विश्व स्वास्थ्य संगठन के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस एधनोम गेब्रेसस ने केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया और WHO दक्षिण पूर्व एशिया के क्षेत्रीय निदेशक डॉक्टर पूनम खेत्रपाल सिंह के साथ अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्थान का दौरा किया। इस दौरान WHO महानिदेशक ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि ग्लोबल सेंटर विश्व स्वास्थ्य संगठन ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन अब भारत में भी होगा। एलन मस्क और ट्विटर इन दिनों चर्चा का केंद्र बने हुए हैं। ट्विटर के सबसे बड़े शेयरधारक बनने के बाद मस्क ने कंपनी की 100% हिस्सेदारी खरीदने का ऑफर कर दिया है। ऐसे में कंपनी को बचाने के लिए बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ने पॉइजन पिल का सहारा लिया है। अब मस्क ने ट्विटर बोर्ड को निशाने पर लिया है। एक ट्वीट का जवाब देते हुए मस्क ने कहा कि अगर उनका दाव सफल होता है तो ट्विटर बोर्ड की सैलरी $0 हो जाएगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की सरकार 2.0 की मंत्रिपरिषद की पहली बैठक आज हुई। पहली कैबिनेट मीटिंग में सरकार भाजपा के लोक कल्याण संकल्प पत्र में किए गए वादों को पूरा करने की शुरुआत कर रही है। इस दौरान 14 प्रस्तावों पर मुहर लगाई गई है। वहीं कैबिनेट बैठक के बाद पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने कहा है कि यूपी में पर्यटन की असीम संभावनाओं को देखते हुए सरकार ने आज की कैबिनेट में कई प्रस्ताव पर मुहर लगाई है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मस्जिदों में लाउडस्पीकर हटाने की कुछ नेताओं की मांग को बेतुका कहा है। नीतीश कुमार ने सोमवार को कहा कि हर धर्म में प्रार्थना करने का एक अलग तरीका होता है और सबको उसकी आजादी है। जो लोग अजान का विरोध कर रहे हैं वो धर्म को समझते ही नहीं है। नीतीश कुमार का ये बयान उनके अपने ही मंत्री के मस्जिदों से लाउडस्पीकर हटाने की मांग के बीच आया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनके मॉरिशस के समकक्ष प्रविंद कुमार जगन्नाथ मंगलवार शाम को अहमदाबाद हवाई अड्डे से एक रोड शो का नेतृत्व करेंगे। मोदी और जगन्नाथ जामनगर से अहमदाबाद एयरपोर्ट पहुंचने के बाद शाम 6 बजे रोड शो आरंभ करेंगे। मोदी जामनगर में WHO ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन की आधारशिला रखते देखे जाएंगे। अहमदाबाद नगर निगम के अधिकारियों ने बताया कि मॉरिशस के प्रधानमंत्री का भव्य स्वागत किया जाएगा। बिहार सरकार ने कोविड वैक्सीनेशन को लेकर एक बड़ा फैसला लिया है, जिसके मुताबिक 18 साल से 59 साल तक के सभी लोगों को कोविड 19 की बूस्टर डोज मुफ्त में लगाई जाएगी। सोमवार को राज्य कैबिनेट की मंजूरी मिलने के बाद स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने कहा कि सरकार के इस फैसले से तकरीबन 5.25 करोड़ लोगों को फायदा पहुंचेगा। रणवीर सिंह की गुजराती तड़के वाली अपकमिंग फिल्म जयेश भाई जोरदार जल्द ही सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है। इस फिल्म में रणवीर सिंह के साथ तेलुगु फिल्म अर्जुन रेड्डी फिल्म शालिनी पांडे नजर आएंगी। जयेश भाई जोरदार से शालिनी बॉलीवुड में अपना डेब्यू कर रही हैं। फिल्म की रिलीज से पहले लोगों को कहानी में थोड़ा सा रूबरू कराने के लिए आज 19 अप्रैल को फिल्म का पहला ट्रेलर भी रिलीज किया गया। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने सेकेंड इन कमांड दर्जे के अधिकारी को अतिरिक्त कमांडेंट कहे जाने पर इन अधिकारियों को उनका पद बताते हुए होने वाले असहज स्थिति को समाप्त करने के लिए CRPF से प्राप्त प्रस्ताव पर केंद्रीय सुरक्षा बलों से उनकी राय आमंत्रित की है। केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बलों और असम राइफल्स के सेकेंड इन कमांड दर्जे का अधिकारी सामान्य पुलिस बल से अधीक्षक दर्जे के समान स्तर का होता है। साउथ सुपरस्टार यश की फिल्म KGF चैप्टर 2 बॉक्स ऑफिस पर धमाल मचा रही है। फिल्म दुनिया भर में ताबड़तोड़ कमाई कर रही है। बता दें कि यश की इस मूवी को पहले पार्ट से भी ज्यादा पसंद किया जा रहा है और इसकी कमाई इस बात का सबूत है। KGF चैप्टर 2 की कमाई के ताजा आंकड़े सामने आ गए हैं। आपको बता दें कि साउथ स्टार यश की फिल्म ने रिलीज के 5 दिन में ही हिस्ट्री क्रिएट कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो फिल्म ने 5 दिन के अंदर हिंदी बेल्ट में 200 करोड़ के क्लब में एंट्री मार ली है। IPL के 32वें मैच का वेन्यू बदल गया है। BCCI ने दिल्ली कैपिटल्स और पंजाब किंग्स का मैच जो कि पुणे में होने वाला था उसे मुंबई में शिफ्ट कर दिया गया है। BCCI सचिव जय शाह ने एक प्रेस रिलीज में जानकारी दी कि दिल्ली पंजाब के बीच MCA स्टेडियम में होने वाला मैच मुंबई के ब्रेव बॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। ये मैच तय तारीख 20 अप्रैल को ही होगा। दिल्ली में तीनों नगर निगम को मिलाकर एक बार फिर से एक निगम बना दिया गया है। उत्तरी दिल्ली, पूर्वी दिल्ली और दक्षिणी दिल्ली नगर निगम को मिलाकर एक नगर निगम बनाने वाले कानून पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की तरफ से मुहर लगा दिए जाने के बाद करीब एक दशक से अधिक समय बाद एक बार फिर से दिल्ली नगर निगम अपने पुराने अस्तित्व पर लौट आया है। दिल्ली में पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के कार्यकाल के दौरान वर्ष 2011 में MCD को 3 निगमों में बांटने का फैसला किया गया था।
डायरेक्टर एसएस राजमौली की फिल्म आरआरआर 25 मार्च को रिलीज हुई और आते ही सिनेमाघरों में छा गई। इस फिल्म के अच्छे रिव्यू आ रहे हैं और ये अच्छी कमाई भी कर रही है। ट्रिपल आर की रिलीज के बाद एक्टर रामचरण ने सबरीमाला मंदिर में दीक्षा ली थी। अब खबर है कि फिल्म की सफलता को देखते हुए एक्टर जूनियर एनटीआर ने हनुमान दीक्षा ली है। जूनियर एनटीआर ने करीब 21 दिनों तक नंगे पैर रहने का प्रण लिया है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह दो दिवसीय दौरे पर बिहार के कटिहार जिला पहुंचे। इस दौरान वो जिला प्रशासन के साथ करेंगे विकास की सभी योजनाओं पर समीक्षा बैठक करेंगे। कटिहार में लोगों से मुलाकात के दौरान गिरिराज सिंह ने कहा कि हनुमान जयंती पर कातिलाना हमले से साबित होता है कि जिन्ना सोच वाले लोग देश को अस्थिर कर अपनी ताकत दिखाना चाहते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने कहा है कि क्रिप्टो करेंसी का इस्तेमाल मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फंडिंग में हो सकता है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की मीटिंग में सीतारमन ने कहा है कि बोर्ड के सभी देश के लिए सबसे बड़ा जोखिम मनी लॉन्ड्रिंग का पहलू होगा और ऐसी मुद्रा का इस्तेमाल गलत काम के और उनके वित्त पोषण के लिए किया जा रहा है। आज के समय में आधुनिक खेती और उन्नत तरीकों से खेती करने के लिए कृषि यंत्रों की आवश्यकता होती है। कृषि यंत्रों के बिना किसानों के लिए खेती करना बेहद ही मुश्किल होता है, लेकिन कुछ कृषि यंत्र बेहद महंगे आते हैं जिन्हें छोटे और गरीब किसान नहीं खरीद पाते। किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए सरकार देश के किसान भाइयों को कृषि मशीनरी पर अनुदान देती है ताकि किसान इन्हें खरीद कर अपनी आमदनी में वृद्धि कर सके। मंगलवार 19 अप्रैल को शेयर बाजार भारी गिरावट के साथ बंद हुआ। बाजार आज लगातार पांचवें दिन गिरा। बाजार में ज्यादातर समय फ्लैट कारोबार रहा। बीएसई सेंसेक्स 1.23% या फिर 704 अंकों की कमजोरी के साथ 56,463 पर बंद हुआ। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का 50 शेयरों वाला निफ्टी 50.25% या करीब 215 पॉइंट्स फिसलकर 16,958 पर आ गया। यूक्रेन मामले को लेकर पहले से परेशान अमेरिका की चिंता उत्तर कोरिया ने भी बढ़ा दी है। दरअसल उत्तर कोरिया ने हाल ही में एक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस पर अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने अपनी प्रतिक्रिया दी है और इसे गलत बताया है। हालांकि अमेरिका ने यह भी कहा है कि बातचीत का रास्ता अभी भी खुला हुआ है। डाक विभाग में नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं के लिए सुनहरा मौका सामने आया है। भारतीय डाक विभाग ने भर्ती का नोटिफिकेशन जारी किया है। भारतीय डाक विभाग ने अलग अलग प्रकार के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें मुख्य रूप से स्टाफ कार ड्राइवर के पदों के लिए नोटिफिकेशन जारी किया गया। इन पदों के लिए ऑफलाइन मोड में आवेदन मांगे गए हैं। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं 26 अप्रैल से शुरू हो रही हैं। ऐसे में सभी फैकल्टी अपने छात्रों को लिखने की प्रैक्टिस करने की सलाह दे रहे हैं। कोरोना महामारी की चपेट में आने के बाद से स्कूलों के बंद होने के कारण ऑनलाइन ऑफलाइन क्लास मोड के बीच छात्रों की लिखने की प्रैक्टिस ही छूट गई। 2019 तक ये आदत में था, लेकिन उसके बाद से यह अब लिखने में समस्या आ रही है। द अचीवर्स फैकल्टी के निदेशक सपना कटियार ने कहा कि कॉलेज के छात्रों को परीक्षा से पहले पेपर का अभ्यास टाइमर से करना चाहिए। उम्र विवाद और एक के बाद एक नए नियम आने के कारण केंद्रीय विश्वविद्यालय में कक्षा एक के दाखिला हेतु लॉटरी नहीं निकाली जा सकती है। केवीएस द्वारा इसे फिलहाल स्थगित कर दिया गया है। केंद्रीय विद्यालय संगठन का कहना है कि लॉटरी की नई तारीख जल्द जारी की जाएगी। इसके बाद सभी केंद्रीय विद्यालयों में दाखिले के लिए लॉटरी निकाली जाएगी। केंद्रीय विद्यालय संगठन का कहना है कि अगले आदेश तक लॉटरी निकालने की प्रक्रिया को स्थगित किया गया है। केवीएस का कहना है कि लॉटरी जल्द निकालने की दिशा में काम किया जा रहा है और इस संबंध में जल्द ही नया आदेश जारी किया जाएगा। पाकिस्तान में शहबाज शरीफ के प्रधानमंत्री बनने की जितनी चर्चा नहीं हुई है, उससे ज्यादा चर्चा उनके होने वाले कैबिनेट की हो रही है। इस चर्चा का कारण है कैबिनेट में शामिल होने वाले दो चेहरे। ये चेहरा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अध्यक्ष बिलावल भुट्टो और पाकिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री हिना रब्बानी खारका। एसएससी द्वारा जारी संयुक्त स्नातक स्तरीय सीजीएल के अंतर्गत आने वाली विभिन्न पदों के लिए जिन उम्मीदवारों ने आवेदन किए थे उनके एडमिट कार्ड वेबसाइट पर 25 मार्च को ही डाल दिए गए हैं। जानकारी में बताया गया है कि टियर प्रथम के इन पदों के लिए आवेदन 23 दिसंबर 2021 से शुरू हुए थे जो 23 जनवरी 2022 तक चले थे। वहीं एसएससी सीजीएल की परीक्षा 11 अप्रैल से 21 अप्रैल तक चलेगी। जो उम्मीदवार परीक्षा में भाग लेना चाहते हैं वो चालू हो रही भर्ती परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। बिना एडमिट कार्ड परीक्षा भवन में प्रवेश नहीं दिया जाएगा। भाजपा के राज्यसभा सांसद सुब्रमण्यम स्वामी ने अपनी ही सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नाकाम बताया। स्वामी ने कहा कि पीएम मोदी 8 साल के अपने कार्यकाल में देश के आर्थिक विकास के मामले में पूरी तरह फेल साबित हुए हैं। स्वामी ने कहा है कि 2016 के बाद से विकास दर लगातार नीचे गिरी है। दरअसल स्वामी ने ट्वीट कर पीएम मोदी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि सत्ता के 8 वर्षों में हम देख रहे हैं कि मोदी आर्थिक विकास के लक्ष्यों को प्राप्त करने में विफल रहे। इसके विपरीत 2016 के बाद से विकास दर में सालाना गिरावट आई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 24 अप्रैल के दौरे के दौरान उद्योगपति भी अपनी पीड़ा उन्हें बताने के प्रयास में हैं। उद्योगपतियों का प्रयास है कि किसी तरह से उन्हें भी प्रधानमंत्री से मिलने का समय मिल जाए ताकि वो अपनी पीड़ा को उनके सामने रख सके। जम्मू के स्थानीय उद्योगपति पिछले काफी समय से स्थानीय लघु उद्योग को आर्थिक सहायता देने की मांग को लेकर केंद्र के संपर्क में है। इसको लेकर उद्यमी केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन से भी मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन कोई राहत नहीं मिलने से आहत उद्यमी अब प्रधानमंत्री से उम्मीद लगाकर बैठे हैं।
मंगलवार को आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन मोहन रेड्डी हरियाणा के अपने समकक्ष मनोहर लाल खट्टर से मुलाकात करते देखे गए। एक पर एक बैठक एक निजी सेटिंग में होगी। इसके स्थानीय लोगों के बीच में अटकलें लगाई जा रही हैं कि उद्योग जैसे उद्योगों में दोनों राज्यों के बीच सहयोग के अवसर हो सकते हैं, विशेष रूप से विजाग में जिसे आंध्र प्रदेश की आईटी राजधानी के रूप में जाना जाता है। पंजाब में 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने के ऐलान के बाद जनरल वर्ग पंजाब सरकार के फैसले से खुश नहीं है। पंजाब के बिजली मंत्री हरभजन सिंह ने मुफ्त बिजली के मामले में अनारक्षित वर्ग और सामान्य वर्ग को लेकर गरमाए हुए मामले पर खुलकर बात रखी। उन्होंने कहा है कि सरकार ने सामान्य वर्ग को 2 महीने में 600 यूनिट बिजली मुफ्त दी है। ये रोजमर्रा जरूरत के हिसाब से काफी है। सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस रोहिंटन फली नरिमन ने एक ऑफिशियल यूट्यूब चैनल शुरू किया है। जस्टिस नरिमन ऑफिशियल वन नाम का चैनल कानून, इतिहास और धर्म से संबंधित विषयों पर आधारित है। जस्टिस नरिमन इस चैनल का वीडियो के जरिए अपने व्याख्यान देते हैं। 16 अप्रैल को शुरू हुए इस चैनल पर 48 वीडियो है। चैनल के 3000 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं। ये डिजिटल मीडिया पर आने वाला पहला जज है। पाकिस्तान में भले ही नए प्रधानमंत्री का चुनाव हो गया हो लेकिन वहां की राजनीति में अभी बवाल जारी है। पाकिस्तान में इमरान खान को प्रधानमंत्री की कुर्सी से हटाने के लिए विपक्ष के अभियान के बाद अभी बवाल थम नहीं रहा है। एक बार फिर से पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी ने नए मंत्रियों को शपथ दिलाने से इनकार कर दिया और छुट्टी पर चले गए। इसके बाद नए मंत्रिमंडल को सीनेट के अध्यक्ष सादिक संजारानी ने शपथ दिलवाई है। मल्टी लेवल नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी एमवे इंडिया को तगड़ा झटका लगा है। प्रवर्तन निदेशालय ने एमवे इंडिया की 757.77 करोड़ रुपए की संपत्ति जब्त कर ली है। प्राप्त जानकारी के अनुसार एमवे इंडिया पर मल्टी लेवल मार्केटिंग स्कैम चलाने का आरोप है। कल हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप में से बहुत सारे यूजर ने हमें कमेंट करके दिया था, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप में से जिन यूजर का कमेंट हमें अच्छा लगा है उनके नाम है कल्याणी चौधरी, विकास बिहारी, अखिलेश यादव, सौरभ मिश्रा, जितेंद्र कुमार, सुवेश कुमार, नीतीश कुमार, ध्रुव कुमार, राजीव कुमार, सुवेश कुमार, जितेंद्र ठाकुर। आप इसी तरह हमारे सवालों का जवाब देते रहे, हर दिन वीडियो के अंत में आपका नाम लेने की पूरी कोशिश करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल कुछ इस प्रकार है, आपके अनुसार देश भर में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखकर क्या मास्क पहनने समेत अन्य नियमों को फिर से लागू कर देना चाहिए या नहीं? अपने जवाब में कमेंट करके जरूर बताएं। इसके साथ ही आज के लिए बस इतना ही। देश प्रदेश की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।